केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, ये सब वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण हो रहा। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आते हैं या बसते हैं, आदिवासी बहन बेटियों से शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़पते हैं। कहा कि रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी की टुकड़ों पे काट कर निर्मम हत्या हुई थी, अंकिता की जलकर मारा गिरा था। उन्होंने कहा कि आज राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री बनना या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब जमीन और बहन बेटियां। कहा कि भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र जारी होगा। भाजपा राज्य में एनडीए सरकार बनते ही एनआरसी लागू पर घुसपैठियों की पहचान करेगी और चुन चुन कर देश से बाहर निकालेगी। सर, आपका घोषणा पत्र पंच पर्ड आया, सबको उम्मीद थी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर डेमोग्राफिक चेंज पर भी ये की पॉइंट में आएगा, लेकिन कुछ पांच पॉइंट अलग अलग आया। अब उसके अलावा क्या है? विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा, लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करें और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए हैं। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई हैं। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं और यहां संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं बेटियों से शादी के, चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, ये हमारा संकल्प है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।